22 जून 1978 को प्लूटो के सबसे बड़े नेचुरल सैटेलाइट चिरॉन को खोजा गया था। इसे यूनाइटेड स्टेट्स नेवल ऑब्जर्वेटरी के एस्ट्रोनॉमर जेम्स डब्ल्यू क्रिस्टी ने खोजा था। उन्होंने अपनी पत्नी चैरोलिन के नाम पर इस सैटेलाइट का नाम चिरॉन रखा था। इसे प्लूटो 1 भी कहा जाता है। इसका डायमीटर 1212 किलोमीटर है, जो प्लूटो के डायमीटर का लगभग आधा है। प्लूटो और चिरॉन लगभग 6 दिनों में एक दूसरे को ऑर्बिट कर लेते हैं और इनके बीच की दूरी औसतन 19,570 किलोमीटर है।